हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके फॉर एग्ज़ाम। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव जीके के क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आरआरबी जेई का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए इम्पोर्टेंट है और एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज सूटेबल फॉर कॉटन प्रोडक्शन। तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा रेगर। रेगर को ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं ना, तो इसका आंसर बी वाला होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज मोस्ट आइडियल फॉर पेडी कल्टीवेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया रेगर सॉइल इज़ फाउंड इन, रेगर मीन्स ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं उसको, इज़ फाउंड इन, तो इसका आंसर हो जाएगा डेकन प्लेट्यू। फर्स्ट वाला इसका आंसर होगा डेकन प्लेट्यू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड सॉइल कलर इज़ कास्ट वाई, तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन कंपाउंड्स। किसके कारण होता है? आयरन कंपाउंड्स के कारण। रेड कलर जो सॉइल का होता है ना, रेड कलर की जो सॉइल होता है उसका कलर रेड होता है आयरन कंपाउंड्स के कारण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूवियल सॉइल्स आर जनरली रिच इन, तो इसका आंसर हो जाएगा पोटास। पोटास इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रीडोमिनेंट सॉइल इन द कोस्टल प्लेन्स एंड नॉर्थ इंडियन प्लेन्स इज, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूवियल। इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ साल्ट इन इंडिया इज, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात स्टेट इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ नंबर, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन इंडिया, तो इसका आंसर सबको पता है कर्नाटक, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नाइन्थ नंबर, लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। ये अभी कुछ दिन पहले किसी एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, ओडिशा इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीडिंग मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, तो आंसर उत्तर प्रदेश, इसका आंसर हो जाएगा बी वाला यूपी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेवेंथ नंबर, इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा बीट। चाइना फर्स्ट पे और इंडिया सेकेंड पे बीट के मामले में, बीट इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन 2018 क्रूड स्टील प्रोडक्शन, क्रूड स्टील प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक क्या थी 2018 में, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड रैंक थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीगंज कोल फील्ड इज इन, तो ये कहाँ पे? ये है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारिया कोयल फील्ड इज इन, तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड, बी वाला इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरबा कोल फील्ड इज इन, तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दिया रिफाइनरी इज लोकेटेड इन, तो आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, फर्स्ट वाला। और क्वेश्चन देखते हैं 17th नंबर, द नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर, तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा रिवर इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं कि किस नदी के किनारे है ये डैम वगैरह जो भी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाकरा डैम इज ऑन द रिवर, ये कुछ दिन पहले किसी एग्जाम में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज, फर्स्ट वाला इसका आंसर होगा सतलज रिवर। 19th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट इज इन, तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्यूटी कोरिन पोर्ट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में है ये पोर्ट है ना, ट्यूटी कोरिन पोर्ट ये तमिलनाडु। उसके बाद एक क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। इसको नहावा सेवा पोर्ट भी बोलते हैं ना, नहावा सेवा पोर्ट इसका नाम ये भी है ना, नहावा सेवा पोर्ट है ना, तो ये भी याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरमू गांव पोर्ट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा गोवा इसका आंसर हो जाएगा। और आप एक क्वेश्चन का आंसर देना, इन्नौर पोर्ट है वो कहाँ पे है ना, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना इस क्वेश्चन का है ना, इन्नौर पोर्ट कहाँ पर है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन लिया हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।